नमस्ते है जी। आज मैं आपको सातों चक्रों का एक विज्ञान समझाऊंगा। प्रणाम, प्राणायाम और मुद्रा विज्ञान कि सातों चक्रों में कब प्राणायाम, कहाँ प्रणाम और कहाँ मुद्रा लगाते हैं। बहुत गहरी बात है, सीखने वाली। ये आपको सीखनी ही चाहिए, जाननी बहुत ज़रूरी है। समझना बेटा कि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो अनाहत चक्र में करते हैं। प्राणायाम अनाहत चक्र से ही होता है। प्रणाम ऊपर के तीनों चक्रों में होते हैं, जैसे कि आपकी ये वाली जो उंगली है, जब आप प्रणाम के लिए इसे बनाते हैं। प्रणाम करने का सही तरीका हमेशा याद रखना, ये नहीं होता है प्रणाम करने का तरीका। प्रणाम करने का सही तरीका ये होता है जिसमें हम अंगूठे को मोड़ते हैं। अंगूठे को मोड़ने के बाद यहाँ हम सुमेरु बनाते हैं। जो सुमेरु होता है, उस सुमेरु को आप अपने अनाहत चक्र में रखते हो, या तो विशुद्धा चक्र में रखते हो, या तो आज्ञा चक्र में रखते हो, और यदि आप बहुत भाव विभोर हो जाते हैं तो सहस्त्रार चक्र में रखते हो, हर हर महादेव। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, बाकी हर जगह पे हम सहस्त्रार चक्रों के सामने रखते हैं अपने हाथों को। हीलिंग प्रैक्टिस के समय में भी हम हाथों को चक्रों पे रखते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र में कभी हाथ को नहीं रखते। वैसे ही आप कभी भी देखोगे कि कोई भी तपस्या कर रहा है, पैर को इस तरह से उठा करके भी तपस्या कर रहा है, तो वो हाथ को सहस्त्रार के ऊपर रखेगा, कभी ऐसे नहीं जोड़ेगा। सहस्त्रार चक्र के ऊपर कभी भी हाथों को नहीं रखते, ब्लॉक नहीं करते। तो जैसे कि मेरी शिक्षा में मैंने सिखाया है, सवन चक्र मेडिटेशन में कभी भी हाथों को नहीं रखते, तो उसका ये एक और प्रूफ है कि कभी भी किसी को भी आप सहस्त्रार चक्र को अपने सिर पर रखते हुआ नहीं देखोगे। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो या तो हृदय से प्रणाम करते हैं, विशुद्धा से प्रणाम करते हैं, या फिर आज्ञा चक्र में रख के प्रणाम करते हैं, या फिर सहस्त्रार चक्र में रख के प्रणाम करते हैं। प्राणायाम जब भी करते हैं तो हृदय चक्र से करते हैं। जब भी होगा हृदय चक्र पे होगा, हृदय चक्र की ऊर्जा से ही हम प्राणायाम करते हैं। अब आते हैं मुद्रा पे। कभी भी मुद्रा लगाएंगे बेटा, कोई भी मुद्रा लगाएंगे तो याद रखना, हम हमेशा अपने हृदय चक्र के नीचे से ही मुद्रा लगाते हैं। चाहे मणिपुर चक्र में लगाएं, चाहे तो स्वाधिष्ठान चक्र में लगाएं, या चाहे तो मूलाधार चक्र में लगाएं। मूलाधार चक्र में कि हम ध्यान मुद्रा इस तरह से लगाते हैं, घुटने पर रखते हैं या अपने गोद में रखते हैं इस तरह से। तो किसी ना किसी रूप में हम मुद्रा जब भी लगाते हैं तो अनाहत चक्र के नीचे लगाते हैं। अनाहत चक्र या अनाहत चक्र के ऊपर प्रणाम होता है, केवल अनाहत चक्र में प्राणायाम होता है और मुद्रा अनाहत चक्र के नीचे होता है। तो इस ज्ञान को ग्रहण कर लो, समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है? क्योंकि मुद्रा लगाने का उद्देश्य ये है कि नीचे की ऊर्जा को ऊपर लेके आना। प्रणाम करने का उद्देश्य यह है कि जो ऊर्जा ऑलरेडी यहाँ है उससे वहीं धारण किए रहना और नई ऊर्जा को आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करना। और प्राणायाम का उद्देश्य क्या है कि ब्रह्मांड की जो प्राण ऊर्जा है उसको प्राणायाम के जरिए प्राणों में लेकर आना। प्राण कहाँ होते हैं? हृदय में होते हैं, हृदय चक्र में। प्राण हृदय में होता है, सांस हृदय में होता है, श्वास वायु हृदय में होती है। पुंज है, प्राण पुंज है। तो अब इस विज्ञान को आप समझ चुके हो। तो कभी भी किसी को प्रणाम करोगे तो प्रणाम करने का सही तरीका नमस्ते है जी, नमस्ते है जी, नमस्ते है जी, नमस्ते है जी, प्रणाम। जैसे हम परमात्मा के सामने दूर से किसी मंदिर को देखते हैं, दूर से देखते हैं तो जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, हरे नारायण, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो ये तरीका होता है। कोई एकदम चित परिचित घर आ गए, आइए जी, आइए, नमस्ते जी, बैठिए। ये सब तरीके हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए और इस विज्ञान को जानिए। ये कोई ऐसा मत लीजिए कि किसी पर्टिकुलर किसी धर्म का विज्ञान है, नहीं, धर्म की मान्यता है नहीं, ये एक विज्ञान है। आप चाहे किसी भी धर्म से हो,
आप इसको इसी तरह से अपनाएं, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस है, यौगिक साइंस का अपना एक विज्ञान है, इसको किसी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। नमस्ते।